डे 3 हम निकल गए पनार से मंदिर की तरफ रुद्रनाथ। अभी भी काफ़ी हाइट है, अभी भी चढ़ने में उतनी थकान लग रही है, सांसें ऊपर चढ़ रही है। अभी लोग कह तो रहे हैं यहाँ से 8 किलोमीटर काफ़ी चढ़ाई है, 8 किलोमीटर तक, उसके बाद तुम मंदिर पहुंच जाओगे। समय हम पितृधारा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं जो कि काफी टफ है, ऑक्सीजन काफी कम। हमारे रिएक्शन आप देख सकते हैं, बहुत बुरी हाल है। और अभी इस पहाड़ी के पीछे जाना है भी कोई आइडिया नहीं है, यहाँ बहुत खड़ी चढ़ाई है तो बहुत बुरा हाल है। कृपया प्रिपेयर्ड होके आए इस ट्रैक के लिए क्योंकि बहुत ही टफ सिचुएशन है। कमरे में रहेंगे सर। दोस्तों बहुत सांसें चढ़ चुकी हैं, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। अभी हमें उस कोने में और जाना है। देखिए ठीक इस कोने में जो ये दिख रहा है, और इसके पीछे और कितना कुछ आइडिया नहीं है। दोस्तों 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चलने में 3-3.5 घंटे लग जा रहे हैं क्योंकि स्पीड इतनी कम है, हाइट बहुत है, ठंड बहुत है। फाइनली पितृधारा हम पहुँच गए। यहाँ लोग अपने पितरों को याद करते काफी रिलैक्स मिल रहा है यहाँ पे लेट के। इधर सामने पे बर्फ भी गिरी, काफी ठंडा, काफी थकावना। कुछ लोग एक ही दिन में ऊपर पहुंच जा रहे हैं मंदिर तक। हम आज दूसरा दिन है, हमें क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा चलने की आदत नहीं है तो हमें चलते चलते ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा थक गए। स्पेशली एक वो हमारा दोस्त बैठा देखो, उसकी बात पड़ती है। हे जोशी दोस्तों ये सारी बर्फ गिरी हुई है। अभी हमने लोकल लोगों से पूछा था तो वो कह रहे थे अभी 10 दिन पहले ये गिरी है। देखो दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये 10 दिन में अभी तक बर्फ़ वहीं की वहीं है। काफी मोटी परत ये, यहाँ से पानी जा रहा है तो पानी से उसके नीचे सुरंग सी बन गई है जिसके नीचे से पानी निकल रहा है और उधर कहीं आगे जा रहा है। ये देखिए दोस्तों बर्फ, ये सारी बर्फ है जी दोस्तों, ये सारी बर्फ। टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो काफी जम गई है। बच गया दोस्तों ये, लेकिन ये सामने तो ये नहीं बचेगा, ये भी बच गया। मैं उल्टे हाथ से मार रहा हूँ, उसके साथ मेरे निशाने खराब हैं। दोस्तों काफी अच्छी बर्फ जमी हुई है। और ये देखिए मैं बॉल बना के जा रहा हूँ अपने दोस्त के सिर पर मारने के लिए, क्योंकि दूर से मारूंगा तो बच जाएगा। इस बार इसके सामने जाके इसके से एक बम है। ये तो फिर बच गया। इस जगह का नाम पंच गंगा है। ये देखिए मैं रुकना चाहूंगा एक रात यहाँ और, बार बार मौका नहीं मिलता। हाँ मुझे लगता है काफी खतरनाक ये रास्ता, पहाड़ों के बिल्कुल किनारे किनारे कट कट के रास्ते बने। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिनको स्वर्ग आप कह सकते हो सही मायने में। बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पे आपको लगता है कि हम बस स्वर्ग में आ गए। काफी ठंडा, काफी आनंद में। मैं चाहूंगा जरूर से मानना इन पर। ये छोटी सी बर्फ का एक टुकड़ा लेके आया, देखिए टुकड़ा, ये मानना चाहूंगा। सामने से मारूंगा बिल्कुल। हाँ ठंडा है, हाँ ठंडा। यहाँ से तो लगी गई दोस्तों फाइनली। जगह का नाम देवदर्शनी है। इस जगह को देवदर्शनी कहा जाता है। तो यहाँ से अब ज्यादा दूर नहीं है, सामने पे ही ये देखिए मेरे चारों तरफ और मेरे आगे बर्फ ही बर्फ, हिमालय कितने सामने। दोस्तों ये रहा रुद्रनाथ मंदिर जहाँ हम जा रहे हैं। फाइनली एक अच्छा सा फीलिंग आ रहा है कि अब हम पहुँचने वाले हैं। जय बाबा रुद्रनाथ, सभी को अपनी कृपा बनाए। दोस्तों हम ऑलमोस्ट मंदिर पहुँच गए हैं, यहाँ से थोड़ा ही है, लेकिन देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों बर्फ़ गिरने लगी है, देखिए मेरे ऊपर गिरी है। ये हम पहुँच गए बाबा रुद्रनाथ, जो कि अभी कपाट बंद है, 4 बजे के बाद खुलेगा, तभी हम आएंगे इधर दर्शन करने बाबा जी के। काफी पुरानी ये मंदिर है। ओम नमः शिवाय। ये लाल मंदिर, नारद। शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय।